गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं आपके एंटो का जो कोर्स है उसमें हम पेस्ट पढ़ रहे थे। आज हम हमने अभी कुछ फील्ड के क्रॉप के पेस्ट पढ़े, कुछ हमने पढ़े जो आपके वेजिटेबल्स के पेस्ट है वो। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज पेस्ट, ठीक है। कुछ स्टोरेज पेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टोरेज यानी कि भंडार गृह में जो, ठीक है, भंडारण करते समय जो पेस्ट लगते हैं, है ना, भंडार गृह में जो पेस्ट लगते हैं वो। सबसे पहले तो बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जो भंडार गृह में लगने वाले पेस्ट हैं उनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग आधार पे। मैं आपको बता देता हूँ, इनको दो मेन जो है दो ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। एक तो है प्राइमरी, इनको बोलते हैं प्राइमरी फीडर्स। सेकेंड को बोलते हैं सेकेंडरी फीडर्स, सेकेंडरी फीडर्स। अब डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी का? हिंदी सबको पता ही होगा, प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है कि वो पेस्ट जो क्या है, जो फुली एकदम जो सेफ है, यानी कि बिल्कुल सुरक्षित जो दाना होता है, ग्रेन जो होता है। मान लीजिए ये कोई सीड है, अब इस सीड को पहली बार कोई पेस्ट फीड कर रहा है, यानी कि पूरा स्वस्थ बीज है। अब इसको फर्स्ट टाइम अगर कोई पेस्ट इसके ऊपर फीड कर रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फीडर्स, ठीक है। अब सेकेंडरी फीडर्स में क्या होगा कि मान लीजिए किसी पेस्ट के द्वारा इस ग्रेन को पहले फीड किया जा चुका है, या इसको क्या है, इंजरी हो गई है, इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट जो है इसके वो खाए जा चुके हैं। इसके बाद जो इसके ऊपर दोबारा पेस्ट लगेंगे, एक बार पेस्ट लगने के बाद उसी सीड पर जब दोबारा जो पेस्ट लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फीडर्स, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी फीडर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी फीडर्स है। सेकेंडरी फीडर्स आपके सिलेबस में नहीं है। अब जो प्राइमरी फीडर्स हैं इनको वापस से दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो इंटरनल प्राइमरी, इंटरनल फीडर्स, और प्राइमरी एक्सटर्नल फीडर्स। एक्सटर्नल फीडर्स, अब यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या है, आंतरिक और बाह्य। यानी कि प्राइमरी का तो पता चल गया आपको, यानी कि ये जो डैमेज करेंगे वो किसको करेंगे, जो बिल्कुल स्वस्थ बीज जो है उसको नुकसान करेंगे। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, इंटरनल फीडर्स का मतलब है वो पेस्ट जो किसी सीड को अंदर ही अंदर से, यानी कि एक बार इंटर होने के बाद उसको अंदर ही अंदर से खाएंगे। बाहर से आपको देखने पे वो ग्रेन बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा, बाहर से देख के आप उसको आइडिया नहीं लगा सकते कि इसके अंदर किसी पेस्ट का डैमेज हुआ है क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरनल फीडर्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, राइस वीविल जो है इसका एग्जांपल है। ये क्या करेगा, इसके अंदर इंटर होने के बाद इसको अंदर ही अंदर फीड करेगा, जिससे क्या है, अंदर से ये जो पूरा ग्रेन है वो खोखला हो जाएगा और बाहर से आपको स्वस्थ दिखेगा। लेकिन स्वस्थ दिखने के बावजूद भी हम जब इसका वेट करते हैं, यानी कि आप जब इसका वज़न करोगे तो वज़न बहुत कम होगा। इसका रीज़न क्या है, इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो पेस्ट फीड कर लेता है। अब बात करेंगे एक्सटर्नल फीडर्स की, सेम कंडीशन है। एक्सटर्नल फीडर्स में क्या होगा कि इसमें पेस्ट जो है इसको बाहर वाली जो स्किन है, यानी कि यहाँ से खाना स्टार्ट करेगा। हो सकता है वो इसका हाफ पोर्शन इतना फीड कर जाए या फिर इतना फीड कर जाए, कुछ पार्ट फीड करेगा, लेकिन करेगा कहाँ से, बाहरी स्किन से, ठीक है, आउटर स्किन से। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फीडर्स। अब अपने एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीडर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीडर्स में आपके सिलेबस में दो पेस्ट है, कौन कौन से, एक तो है खपरा बीटल, सबने सुना होगा नाम खपरा बीटल, एक है रेड रस्ट फ्लोर बीटल, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेस्ट है हमारा खपरा बीटल, ठीक है। खपरा का नाम सबने सुना होगा, घरों में भंडार गृह में ये लगता है और हर किसी ने देखा भी होगा। देखने पे लगता है पाउडर लाइक दिखाई देता है, लेकिन क्या है, होता क्या है, ये पेस्ट होता है। चलिए बात करेंगे, साइंटिफिक नेम होता है इसका ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। फैमिली होती है इसकी डर्मेस्टिडी, और ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा। डर्मेस्टिडी फैमिली और
कोलियोप्टेरा ऑर्डर, डर्मिस्टिडी फैमिली। कोलियोप्टेरा ऑर्डर की अब आपको मैंने पहले ही बताया कि इसको कोलियो, जब ऑर्डर का नाम आए उस समय क्या है आपके दिमाग में, एटोमेटिक क्या आना चाहिए, उसके बारे में एक थीम बननी चाहिए। जैसे कोलियोप्टेरा की बात करें तो इससे पहले हमने कोलियोप्टेरा का कौन सा पेस्ट पढ़ा था आपको याद हो तो, जो पॉलीफेगस पेस्ट था, वाइट ग्रब, है ना। वाइट ग्रब में हमने कोलियोप्टेरा के बारे में पढ़ा था। इसके लिए जनरल फीचर क्या क्या है, एक तो क्या होगा इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है, यानी कि जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कितनी स्केल स्टेज होगी, चार स्टेज होगी, ठीक है। और इसकी जो लार्वल स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रब, ठीक है, ग्रब बोलते हैं। इसके अलावा डैमेज कौन सी स्टेज करती है इसकी, जो ग्रब प्लस एडल्ट दोनों स्टेज जो है, यानी कि लार्वा और एडल्ट जो दोनों स्टेज है वो दोनों नुकसान करती है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। अब बात करेंगे होस्ट प्लांट की, तो सीधी सी बात है, बात किसकी हो रही है, स्टोरेज पेस्ट की। तो भंडारण में लगने वाले, भंडार हम जो करते हैं, यानी कि अब वो चाहे आपका राइस हो गया, वीट हो गया, है ना, या फिर कोई पल्सेस होगी, जिसका भी आप भंडारण करोगे उसमें मेनली लगता है ये, है ना। तो भंडार गृह वाली जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर लगता है। अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है। पहले लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है इसका, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, और लाइफ साइकिल के अंदर कितनी स्टेज होती है, चार स्टेज होती है। अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, कि ये डैमेज कैसे करता है। तो सबसे पहले ही खपरा बीटल के बारे में मैं आपको बता दूँ, ध्यान रखने वाली जो चीज़ है कि ये एक्सटर्नल फीडर है, ये तो आपको पता ही है। क्या है, एक्सटर्नल फीडर, ये हमने अभी आपको बताया था। अभी क्या है, एक्सटर्नल फीडर, इसका मतलब फीड कहाँ से करेगा, आउटसाइड से, ठीक है, बाहरी जो स्किन होता है वहाँ से फीड करेगा। अब इसकी खास बात क्या होती है, खफरा बीटल जो है इसकी खास बात क्या होती है कि ये ज़्यादा गहराई तक नहीं रह सकता। मान लीजिए आपका ये कोई आपने बना रखी है कोठारी वगैरह, जहाँ आपने इसको स्टोर कर रखे है ग्रेन्स को, ठीक है, तो यहाँ आपने ग्रेन को स्टोर कर रखा है। तो इस खफरा बीटल की एक जो लिमिटेशन होती है वो क्या होती है कि ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकता, यानी कि इसके लिए ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, हम आप जब कभी देखना, नोटिस करना कि आपने जहाँ भी भंडार कर रखा है इनको, ग्रेन्स को, वहाँ पे ये क्या है, ऊपर से लगभग एक से डेढ़ फीट की जो, मतलब ऊपर वाली जो सतह होती है, आप किसी भी कोठारी वगैरह में जो ग्रेन का स्टोरेज करते हैं, ऊपर से एक या डेढ़ फीट का जो एरिया होता है वहाँ पर ही क्या है, इसका डैमेज मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। उसके बाद नीचे क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, तो वहाँ पर इसका लॉस इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ हमें कंट्रोल जब इसका करेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें काम आएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो अब बात करेंगे इसकी कि ये नुकसान कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या है, अब बात करेंगे इसके एग लेइंग की। तो ये एग्स देता है कहाँ पे, या तो जो सीड होता है उसकी बाहरी स्किन पे, ठीक है, बाहरी जो कवर होता है सीड का वहाँ पे, या फिर क्या है आपके जो भी जूट के थैले वगैरह जो बने हुए हैं ना, उन थैलों के ऊपर, बोरियों के ऊपर, कहीं भी क्या है ये एग लेइंग करता है। एग लेइंग करने के बाद जो इसका ग्रब निकल के आता है, यानी लार्वल जो स्टेज होती है, वो क्या करती है, वहीं से जिस एग के ऊपर सबसे पहले क्या करता है इसका एडल्ट जो होता है, वो थोड़ा सा छेद करता है ना, यानी कि जो सीड होगा उसको अपने माउथ पार्ट कैसे होते हैं इसके अंदर, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं दोनों में ही, ग्रब में भी और एडल्ट में भी। तो ये क्या करेंगे, इसको काट के माउथ की सहायता से यहाँ पर छोटा सा छेद बनाएंगे। छेद बनाने के बाद यहाँ पर इसकी फीमेल क्या करती है, एग लेइंग करेगी। एग लेइंग करने के बाद इस एग्स से जो निकलेगा, यानी कि इस एग्स से जो ग्रब निकलेगा, वो इसी सीड के अंदर इंटर कर जाएगा और अंदर ही अंदर क्या है इसको खाता रहता है। और ये क्या करता है, जो अंदर एंडोस्पोर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो वाला जो पार्ट होता है, कहने का मतलब एम्ब्रियो वाला जो पार्ट होता है उसको क्या करता है, ये फीड करता है, ठीक है। एम्ब्रियो वाला पूरा पार्ट खा जाएगा, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि हम जब इसको भंडार में, अपने पता कैसे चलेगा, तो सीड्स जो है वो कटे हुए रहेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फीडर है तो अंदर ही अंदर तो खाएगा नहीं। तो इसलिए क्या है, जो सीड है वो आपको आधे कटे हुए मिलेंगे या कुछ भाग कटा हुआ मिलेगा, वो इसके द्वारा लॉस किया जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो वाले पार्ट को ये ज़्यादा खाता है। अब बात करेंगे, ये हो गया इसका डैमेज, ठीक है।
लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे अनुकूल टेम्परेचर होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल फुल होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या, आप जब भी भंडार गृह में जाते हो तो आसपास दीवारों पे या फिर जो गेट जो होता है, खिड़कियां जो होती है, वहाँ से बाहर निकलते हुए भी आपको दिख जाएंगे आसानी से। बहुत ही माइन्यूट होता है, नॉर्मल आप देखोगे आई से तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई होते ना कचरा वगैरह ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि क्या है, वो एक पेस्ट है और वो क्या होता है, खफरा बीटल होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज की है, डैमेज कैसे करता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, मैंने बता दिया आपको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अब क्या है, एग लेइंग की बात करेंगे तो सिंगल या फिर ग्रुप में, कितने ग्रुप में, दो या तीन, दो से चार, इस ग्रुप में क्या है, एक साथ एग्स देते हैं। और एग मैंने आपको बता दिया कैसे देते हैं, जो आउटर स्क्रीन होती है उसको थोड़ा सा कट करता है पहले अपने माउथ से, और फिर वहाँ पर क्या करती है इसकी फीमेल, एग लेइंग करती है। एग क्या होते हैं, राउंड होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट और वाइट कलर के। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, अर्ध पारदर्शक। अर्ध पारदर्शक होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। साइज होता है 0.5 mm, देख लीजिए बहुत छोटा साइज होता है 0.5 mm, और 125 to 150 तक एग्स एक फीमेल अपने लाइफ साइकिल के अंदर देती है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड स्टेज, ग्रब या लार्वा। कॉमन टर्म क्या होती है, लार्वा, लेकिन कोलियोप्टेरा का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। जैसे लेपिडोप्टेरा के लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। ग्रब हो गया। अब ग्रब क्या है, ये ब्राउनिश वाइट कलर का, यानी कि क्या है, भूरा रंग लिए हुए क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, यानी भूरा सफ़ेद रंग का होता है। और इसके ऊपर क्या है, बॉडी पे लाल भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं, ठीक है। हेयर्स होंगे बहुत सारे बॉडी के ऊपर रेड ब्राउनिश कलर के, प्लस इसका जो एब्डोमिनल पाला यानी कि लास्ट जो सेगमेंट होता है, उधर का लास्ट जो खंड होता है, वहाँ पे क्या है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि पूंछ जैसी संरचना होती है, जिसके ऊपर क्या है, लंबे लंबे भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। ये इसके क्या है, पहचानने की, आपने पहचान सकते हैं इसकी ये पहचान है। अब ये क्या है, फीड एम्ब्रियो, अभी मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो वाला जो पार्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा फीड करता है ये, ठीक है। साइज इसका फिर क्या है, चार मोल्टिंग होती है लगभग, ठीक है। मोल्टिंग होने के बाद धीरे धीरे क्या है, इसका साइज बढ़ जाता है और 5 mm तक, ठीक है, 5 mm तक साइज होता है। तो साइज बस इसका लास्ट यही मान के चलो, इसका मतलब क्या है, बहुत ही छोटा पेस्ट होता है। अब बात करेंगे प्यूपा की, तो प्यूपेशन इसका कहाँ होता है, प्यूपेशन होता है इसका जो सीड्स होते हैं ना, या तो सीड के अंदर ही होगा जो उसकी बाहरी स्किन है वहाँ पे, या फिर क्या है जो जूट के बोरे वगैरह है वहीं होता है इसका प्यूपेशन। प्यूपा क्या होगा, डल वाइट यानी कि मटबेले सफ़ेद रंग का होता है, कोकून बनाएगा, ये कोकून कैसा होता है, मटमेले सफ़ेद रंग का, और उसके ऊपर क्या है, रेड ब्राउन हेयर्स, जैसे ग्रब के ऊपर थे ना वैसे क्या है, इसका जो प्यूपा होता है उसके ऊपर लाल भूरे रंग के बाल रहते हैं, बालों से वो कवर रहता है। फिर है एडल्ट। अब एडल्ट की बात करेंगे, इस प्यूपा से क्या है, बाद में जो एडल्ट बाहर निकल के आता है, एडल्ट क्या होता है, ग्रे ब्राउन कलर का है ना, सलेटी भूरे रंग का होता है, सलेटी भूरे रंग का, 2.5 mm साइज होता है इसका, ठीक है। अब लार्वा जो होगा, ये क्या, जो ग्रब होता है वो क्या है, थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि संरचना में कैसा होता है, आपको थोड़ा सा लंबा दिखाई देगा, अभी डायग्राम में आप दिखा दूंगा आपको आगे। लेकिन इसका एडल्ट जो है वो क्या होता है, लगभग 2.5 mm होता है, एग शेप होता है यानी कि अंडाकार होता है। और इसकी क्या है, एक पहचान और होती है कोलियोप्टेरा ऑर्डर की, अगर आपने पढ़ा हो पहले मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा ये कोर्स, तो इसमें क्या है, जो विंग्स होते हैं, ठीक है, कितने विंग्स होते हैं इंसेक्ट के अंदर, 2 pairs ऑफ विंग्स होते हैं। तो इसमें क्या है, जो हाइंड विंग होते हैं, पीछे वाले जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस यानी कि पारदर्शक होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। लेकिन फोर विंग जो होते हैं, आगे वाले जो विंग्स होते हैं, फोर विंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कवर होते हैं, यानी कि वो थोड़ी सी टाइट होते हैं, है ना। कहने का मतलब आप देखोगे उस पर तो जैसे ग्रास ओपर के अंदर होते हैं ना, वैसे इसके अंदर क्या है, जो फोर विंग्स होते हैं वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं, इलाइट्रा बोलते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते तो क्या बोलते हैं उसको, इलाइट्रा बोलते हैं, ठीक है।
बस इसीलिए लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि फोर विंग जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलाइट्रा बोलते हैं। ये क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि हाइंड विंग्स जो होती है, पीछे वाली जो पंख होती है ना, उनको क्या करते हैं ये कवर करके रखते हैं और पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं ताकि ये डैमेज ना हो बॉडी को कोई। तो ये हो गया आपके खपरा बीटल के बारे में, उसका नेचर ऑफ डैमेज हो गया, उसका लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना और नेचर ऑफ डैमेज इसका अच्छे से पढ़ लेना है ना कि इसका नुकसान कैसे होता है। एक्सटर्नल फीडर है। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। एग स्टेज 6 से 16 दिन बाद, एग के 6 से 16 दिन बाद क्या होगा, ग्रब बाहर निकल के आएगा। अब यहाँ ग्रब में लार्वा या फिर ग्रब की एक खास बात क्या है यहाँ पे कि इसका जो मेल और फीमेल जो होते हैं, है ना, मेल ग्रब और फीमेल ग्रब जो होते हैं, उनकी क्या है जो टाइम है या फिर बात करें उनका जो पीरियड है, यानी कि स्टेज का जो पीरियड है वो क्या है, थोड़ा अलग होता है, उसमें डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है कि मेल में तो होता है ये 19 to 28 यानी 19 से 28 दिन का, लेकिन फीमेल में क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। लार्वा का ग्रब का जो काल होता है कितना होता है, 20 से 37 दिन तक का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद प्यूपा है, प्यूपा लगभग 4 से 27 दिन का होता है। और उसके बाद एडल्ट स्टेज आती है, उसके क्या है रिप्रोडक्शन के बाद 3 से 4 दिन बाद क्या है फिर वापस से एगलिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही बात करेंगे टोटल लाइफ साइकिल की। तो टोटल लाइफ साइकिल मेल की बात करें तो उसके अंदर 32 to 75 डेज का और फीमेल के अंदर 33 to 84 डेज का लाइफ साइकिल होता है। एक साल में इसकी 20 से 22 तक जनरेशन पाई जाती है, क्योंकि स्टोरेज है भंडार गृह में तो हमेशा रहते हैं ग्रेन्स, तो वो क्या है इनकी जनरेशन जो है वो चलती रहती है। अब यहाँ ये ध्यान रखना, अब ये ध्यान रखना मैंने आपको वैसे कई बार बता दिया। अब यहाँ देखो आप लिखा हुआ है 4 to 27 डेज, तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है बीच में, है ना। ऐसे ही इनके अंदर देखोगे तो आपको क्या है डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है, ये डिफरेंस जो है इसका मतलब क्या है कि जो अवस्था यानी कि जो टेम्परेचर इनको मिल रहा है, या बात करें क्लाइमेट की, पूरे क्लाइमेट की बात करेंगे ओनली टेम्परेचर की नहीं, तो क्लाइमेट क्या है अगर सूटेबल है तब तो क्या है लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, विंटर सीजन आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है या फिर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो क्या है स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्या है इसका एडल्ट है, ठीक है, जो खपरा बीटल है उसका एडल्ट है। इसमें बहुत बड़ा दिखाया गया है, लेकिन वैसे क्या होती है बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर होती है, आपको लेबोरेटरी में दिखाई भी थी पहले भी। तो ध्यान रखना, ये दिख रहा है बॉडी इसकी, है ना, इसके ऊपर ये क्या लाल भूरे रंग के बाल रहते हैं, और ये जो दिख रहे हैं ना आपको फोर विंग, ये क्या है आगे वाली जोड़ी पंख है, इनके नीचे क्या है पीछे वाली जोड़ी जो विंग्स होती है, पीछे वाली विंग्स जो होती है हाइंड विंग्स, वो कवर रहती है इनके नीचे। और ये क्या है हार्डन्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या बोलते हैं इलाइट्रा, ठीक है, इलाइट्रा बोलते हैं। और अब ये दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या है इसके जो ग्रब स्ट्रक्चर जो है ना, ग्रब स्टेज जो है वो है, ग्रब स्टेज में दिख रहा है थोड़ी सी लंबी होती है एडल्ट की बजाय, ठीक है। और जो एंड वाला जो पोर्शन होता है मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे क्या है टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूंछ जैसी एक संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है वीट के ग्रेन्स को, वीट के ग्रेन्स के अंदर लगी हुई है। तो ये दिख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े जो आपको कटे हुए दिख रहे हैं सीड्स, ये किसकी वजह से कटे हुए हैं, इसी की वजह से जो खपरा बीटल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये है आपका खपरा बीटल। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो इन सब का मैनेजमेंट यानी कि स्टोरेज पेस्ट जो है इन सब का मैनेजमेंट अपने एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी पेस्ट हैं उनको पढ़ने के बाद। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेस्ट की, रेड रस्ट फ्लोर बीटल, ठीक है, रेड रस्ट फ्लोर बीटल। अब यहाँ पे रेड रस्ट फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा जिसको बोलते हैं, फ्लोर मिल का नाम तो सुना ही होगा आटा चक्की, वैसे ही फ्लोर का मतलब क्या होता है आटा। अब साधारण भाषा में बात करें तो आपने घरों में नाम सुना होगा इल्ली, है ना, तो इल्ली जो पेस्ट होता है वो यही होता है ना, इल्ली जो पेस्ट है वो यही होता है, यानी कि ढंग से लिख देता हूँ, इल्ली इसी को बोलते हैं रेड रस्ट फ्लोर बीटल है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कुछ में इसको क्या है लाल सुरई बोलते हैं और
कुछ जगह इसको सुरसाली बोलते हैं, पता नहीं किसकी किसकी साली, ठीक है सुरसाली। तो ये सब क्या है, इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। रेड रेस्ट फ्लोर बीटल मेन जो अपने बात करेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में, इसको क्या बोलते हैं, रेड रेस्ट फ्लोर बीटल बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका होता है ट्राइबोलियम कैस्टनम, ट्राइबोलियम कैस्टनम। इसकी और भी स्पीसीज होती है, जैसे ट्राइबोलियम कन्फ्यूसम होती है एक, लेकिन आप क्या है एक ही याद रख लो बहुत है, ठीक है। ट्राइबोलियम कैस्टनम फैमिली होती है इसकी टेनिब्रिनिडी और ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा, ठीक है। टेनिब्रिनिडी और ऑर्डर कौन सा होता है, कोलियोप्टेरा। एक चीज़ ध्यान रखना, आपके स्टोरेज में जितने भी पेस्ट है उसमें मुश्किल से एक आधा पेस्ट होगा जो लेपिडोप्टेरन पेस्ट है, बाकी सारे क्या है कोलियोप्टेरा के हैं। ये भी ध्यान रखना, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा याद करने में। स्टोरेज के लगभग जो एक आधा एक्सेप्शन होगा मैं बता दूंगा, बाकी आपके सिलेबस में जो है वो सारे किसके हैं, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के पेस्ट हैं। तो कोलियोप्टेरा हो गया ऑर्डर, तो सारी चीज़ें सेम होगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था खपरा बीटल के अंदर वही लाइफ साइकिल होगा, चार स्टेज होगी, ठीक है। और जो ग्रब और एडल्ट है दोनों स्टेज डैमेज करती है, हाँ। लेकिन खपरा बीटल में एक ध्यान रखना, खपरा बीटल की बात करेंगे तो उसके अंदर डैमेज तो दोनों स्टेज ही करती है, लेकिन जो लार्वा अवस्था होती है यानी कि जो ग्रब स्टेज होती है वो ज़्यादा डैमेज करती है, ठीक है। ये जो ग्रब स्टेज होती है ये क्या करती है, मोर डैमेज करती है कंपैरिजन टू एडल्ट, एडल्ट से ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है ग्रब, और इसलिए मेन क्या है ग्रब को ही माना जाता है क्षति पहुँचाने वाला। होस्ट प्लांट सेम है, जो भी क्रॉप्स होंगी, ठीक है, मेनली क्या है जो ग्रेन होंगे, उसके बाद जो भी फ्लोर हो गया यानी कि आटा हो गया, इसके अलावा मैदा हो गया है ना, इन सब में ये क्या है नुकसान पहुँचाते। अब बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो सेम है, इसके अंदर भी क्या है चार स्टेज होगी कंप्लीट लाइफ साइकिल। लेकिन बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, तो इसके नेचर ऑफ डैमेज में क्या है रेड रेस्ट फ्लोर बीटल की, कि है तो ये भी एक्सटर्नल फीडर, ठीक है एक्सटर्नल फीडर, लेकिन मेनली ये क्या है इंटरनल, एज ए इंटरनल फीडर काम करता है। मतलब क्या है कि एक बार दाने के अंदर घुसने के बाद ये क्या है अंदर ही अंदर से उसको खाता रहता है, और मेनली है ना इसका जो डैमेज है वो ग्रेन पे नहीं होके कहाँ होता है, जो आपका आटे वाला जो पोर्शन है ना, आटा जो हो गया मैदा हो गया उनके अंदर ज़्यादा नुकसान करती है ये। और इससे होता क्या है, सबसे पहले तो क्या है बात करेंगे अपने नेचर ऑफ डैमेज में, तो इसके क्या है जो एग्स हैं यानी कि एगलिंग जो होती है वो कहाँ होती है, मेनली जो फ्लोर है या फिर आटा जिसको बोलते हैं, आटे के अंदर ही क्या होती है इसकी एगलिंग होती है, और एगलिंग होने के बाद एगलिंग जब होती है तो उसके साथ क्या है ग्लू या फिर बात करें ये क्या होते हैं स्टिकी टाइप के होते हैं, ठीक है, चिपचिपे से होते हैं। उसकी वजह से क्या है इनकी जो एग्स होगा, मान लीजिए ये एग है तो एग के बाहर क्या है आटा चिपक जाता है, तो हमें देखने पे आसानी से हम इसके एग्स को पहचान नहीं पाते, ठीक है, इसके एग्स को पहचानना मुश्किल होता है। इसका रीज़न क्या है कि आटे के अंदर एग्स देती है पहली बात तो, और फिर इसके ऊपर क्या है आटा चिपक जाता है, क्योंकि ये क्या है चिपचिपा होता है इस वजह से, तो ये ध्यान रखना, इसलिए इसको क्या है पहचानना मुश्किल होता है। अब जो इससे क्या है जो भी ग्रब निकलेगा, ठीक है, इससे जो ग्रब निकलेगा वो क्या करेगा आटे को खाना प्रारंभ करेगा, ठीक है। आटा जो होता है उसको प्लस जो ग्रेन्स होते हैं उनको सबको ये फीड करता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है जो आटा जो है या फिर मैदा है वो क्या है येलो कलर का होने लगता है, यानी कि पीला होने लगता है, जो आटा है वो क्या है पीला पड़ने लगता है, और उसके अंदर धीरे धीरे बाद में क्या होता है जाले से बनने लग जाते हैं अलग अलग, क्या है आप देखोगे तो उसके अंदर क्या आटे के अंदर आपको जाले से दिखाई देंगे अलग अलग प्लस, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया कि येलो हो जाता है, फिर इसके अंदर क्या है नेटिंग यानी कि जाले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है बाद में लेटर स्टेज में क्या होता है अगर ज़्यादा डैमेज हो तो उसके अंदर शूटी मोल्ड लग जाता है यानी कि फंगस लग जाता है, उसकी वजह से क्या है जो आटा है वो जगह जगह आपको क्या है ब्लैक कलर के धब्बे दिखाई देंगे आटे के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर से क्या है बदबू आती है, बहुत ही गंदी तरह की बदबू आती है। उस बदबू की वजह से क्या होता है कि अगर एक तो ये ह्यूमन कंजप्शन के तो काम रहता ही नहीं है ना, यानी कि खाने के लायक नहीं रहता, प्लस क्या है अगर आप इसको पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं इन ग्रेन्स को या फिर इस आटे को पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं तो इसके अंदर से जो बदबू आती है जो स्मेल आती है उसकी वजह से क्या है पशु भी इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है काफ़ी हद तक इससे नुकसान होता है और इसकी जो जनसंख्या है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। इली आपने देखा होगा घरों में एक बार कहीं इली लग जाए तो उसके बाद क्या है धीरे धीरे बहुत जल्दी वो बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, ठीक है समझ में आ गया। तो क्या होगा एगलिंग कहाँ होगी,
आटे के अंदर और चिपचिपा होता है, इसलिए बाहर इसके क्या है आटा चिपक जाता है, और उसके बाद क्या है धीरे धीरे जो इसके ग्रब होंगे वो आटा खाएंगे, प्लस क्या है उसको येलो बाद में क्या है आटा पीला पड़ने लग जाता है, उसके अंदर जाले बढ़ने लग जाते हैं, प्लस क्या होगा कि उसके अंदर से एक बदबू आएगी, फॉल स्मेल आती है, बदबू आती है, उसकी वजह से क्या है ये इसको पशु भी नहीं खाते, और ह्यूमन कंजप्शन के तो काम रहते ही नहीं है, इन ग्रेन्स जो है वो खाने के लायक नहीं रहते हैं। अब ऐसे ही उसमें था खपरा बीटल में, उसमें भी यही होगा, ठीक है, खाने के लायक नहीं रहते, प्लस क्या है उसके अंदर तो ये है कि अब वो जब हमने अभी क्या पढ़ा था उसके अंदर कि वो जो सेंटर पोर्शन होता है ना एंडोस्पर्म वाला जो पार्ट होता है, या बात करें एम्ब्रियो वाला जो पार्ट होता है, एम्ब्रियो को फीड करता है। अब एम्ब्रियो को फीड करेंगे तो क्या होगा कि उसके बाद आप उन ग्रेन्स को अगर यूज़ करते हो एज ए सीड तो उनसे क्या है प्लांट नहीं बनता, क्योंकि वो अब जब उसने एम्ब्रियो उसका फीड कर लिया तो उसमें कहाँ से प्लांट ग्रो होगा, तो उससे क्या है नया पौधा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेज की। तो सबसे पहले एग, तो एग क्या है एक एक करके, अंडे क्या है एक एक करके आटे के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, यानी कि पारदर्शी होते हैं, वाइट कलर के, स्टिकी, अभी मैंने आपको बताया ना चिपचिपे होते हैं। एक फीमेल के द्वारा अपने लाइफ साइकिल के अंदर क्या है 400 से 950 हज़ार तक एग्स दिए जाते हैं। अब बात करेंगे ग्रब्स की, ठीक है, जो ग्रब स्टेज होती है ये क्या है लाइट ब्राउन यानी कि हल्के भूरे रंग की होती है, और उसके बाद इसके ऊपर क्या है स्मॉल हेयर्स, बॉडी जो होती है उसके ऊपर स्मॉल हेयर्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे खपरा बीटल में क्या था कि उसके जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट था वहाँ पे क्या था टेल लाइक स्ट्रक्चर थी, यानी कि पूंछ जैसी संरचना थी जहाँ पे लंबे लंबे भूरे कलर के बाल थे। इसमें क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपेंडेजेस यानी कि उभार पाए जाते हैं, जो लास्ट जो सेगमेंट होगा वहाँ पे एक पेयर क्या है आपको उभार मिलेंगे, यानी कि इस प्रकार की आपको संरचना मिलेगी जो लास्ट एब्डोमिनल जो सेगमेंट होता है वहाँ पे, है ना, इस प्रकार की संरचना मिलेगी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपेंडेजेस, ये इसकी पहचान है। जो ग्रब है साइज होता है इसका 1 mm तक, 6 से 7 मोल्टिंग होती है इसके अंदर, जिसके बाद क्या इसका साइज बढ़ के कब क्या हो जाता है 5 mm तक हो जाता है, और बाद में स्टार्टिंग में इसका कलर क्या होता है येलो यानी कि लाइट ब्राउन कलर का होता है, हल्के भूरे रंग का, और बाद में क्या हो जाता है ये पीले रंग का हो जाता है, ठीक है, येलो कलर का। अब बात करेंगे प्यूपा की, तो प्यूपा जो है वो कहाँ बनेगा इसका आटे के अंदर, पूरा लाइफ साइकिल आटे के अंदर ही चलता है इसका, तो प्यूपा कहाँ बनेगा आटे के अंदर, और कैसा होता है स्टार्टिंग में वाइट कलर का होता है जो बाद में येलो कलर का होने लग जाता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है बाद में येलो कलर का होने लग जाता है, और इसके ऊपर भी क्या है हेयर्स पाए जाते हैं, जो प्यूपा है वो भी क्या है कवर्ड रहता है हेयर्स से। अब बात करेंगे एडल्ट की, तो इसके बाद जो एडल्ट बाहर निकल के आता है एडल्ट में क्या होगा रेड ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, लाल भूरे रंग का होता है, और इसके ऊपर हेयर्स भी पाए जाएंगे लाल भूरे रंग के, 3.5 mm तक इसका साइज होता है, यानी कि लेंथ जो होती है वो 3.5 mm तक, और विड्थ चौड़ाई जो होती है इसकी वो क्या होती है 1.2 mm तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेड रस्ट फ्लोर बीटल, ध्यान रखना इसमें। अब मेन जो पूछने वाली या ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो इसमें क्या है नेचर ऑफ डैमेज इसका इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल में वही 4 स्टेज है, एग से 4 से 12 दिन बाद में लार्वा या ग्रब बाहर निकलता है, ठीक है, फिर ग्रब से क्या है 27 से 90 दिन बाद में क्या है प्यूपा बनता है, और प्यूपा से 5 से 9 दिन बाद में एडल्ट बनता है, एडल्ट के मतलब उसमें जो रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद 2 से 3 दिन बाद में क्या वापस एगलिंग स्टार्ट होगी, और ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। टोटल लाइफ साइकिल इसका होता है 38 to 114 दिन का। और जनरेशन की बात करें तो इसके लाइफ साइकिल में अगर बात करें इन ए वन ईयर तो मैनी जनरेशन यानी कि बहुत सारी जनरेशन इसकी पाई जाती है। खपरा बीटल में जैसे 20 से 22 थी, इसमें क्या है बहुत सारी जनरेशन पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डायग्राम, ये दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है इली। अब इसको जूम करने पे या आप जो भी स्टीरियो माइक्रोस्कोप है उसमें देखोगे तब ये आपको ऐसी दिखाई देगी, नॉर्मली हम अगर आंखों से देखेंगे तो ये क्या है बहुत छोटी होती है, आप इतना अच्छे से पहचान नहीं कर पाते, लेकिन ये क्या है इली है, ऐसी दिखती है। अब इसमें स्टेज देख लीजिए, ये आटा है, आटे के अंदर ये क्या है इसके जो एग्स हैं, अब एग है, एग के बाहर क्या है थोड़ा थोड़ा सा जो है
चिपका रहता है, आटा चिपका रहता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका लार्वा है। और लार्वे में यहाँ देखिए ये इसके क्या है, लास्ट जो एब्डोमिनल सेगमेंट है यहाँ पे ऐसे दो उभार पाए जाते हैं, अपेंडेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है, ये इसकी पहचान है। इसके बाद ये इसका प्यूपा है, प्यूपा के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा ये जैसे अपेंडेंजेस है वो। इसके बाद ये क्या है, एडल्ट बाहर निकल के आता है। और नुकसान किसके द्वारा होता है, दोनों ही, यानी कि इसकी जो लार्वल स्टेज है वो, उसके साथ साथ इसका जो एडल्ट है, दोनों ही क्या है, नुकसान पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेड रस्ट फ्लोर बीटल। इसके बाद बात करेंगे इनके मैनेजमेंट का, मैंने आपको बता दिया सारे जब पढ़ लेंगे एक साथ तो एक साथ इनका मैनेजमेंट करेंगे, है ना, आईपीएम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके सिलेबस के अंदर जो प्राइमरी फीडर है, प्राइमरी फीडर में जो एक्सटर्नल फीडर है ना, एक्सटर्नल फीडर दो ही थे। इसके बाद इंटरनल फीडर्स को पढ़ेंगे जो अंदर ही अंदर सीड को खाते हैं, बाहर से देखने पे क्या है वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं, नेक्स्ट क्लास में उनको पढ़ेंगे। ओके भाई, पढ़ लेना इसको अच्छे से ध्यान से, ठीक है।